असला स्टूडेंट्स ये हमारा टेंथ क्लास इंग्लिश का सेकेंड लेसन है फर्स्ट लेसन में हमने यूनिट वन की उर्दू ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स को डिस्कस किया था और आज के लेसन में हम यूनिट वन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज हम एक्सरसाइज के वोकेबलरी सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन और राइटिंग स्किल्स सेक्शन को स्टडी करेंगे ट स्टार्टेड विदरसाइज ऑफ यूनिट वन तो हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सेक्शन है देर इज वो कैबुलरी सेक्शन और वो कैबुलरी सेक्शन का क्वेश्चन ए है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इज यूज इन द लेसन तो ये हमें वर्ड्स दिए हुए हैं मॉडल पाइटी एटर्नल Earned, sermon, revenge, commandment, upheld, destitute, proclaimed, and transcends. तो इन वर्ड्स के हमने मीनिंग्स लिखने हैं हम वर्ड्स के मीनिंग्स को फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लेसन को उर्दू में ट्रांसलेट किया था तो चलिए अब इन वर्ड्स के मीनिंग्स को देख लेते हैं मॉडल मॉडल मींस एग्जाम्पल मिसाल पाइटी मीन्स गुडनेस अच्छाई और इटर्नल का मतलब है एवर लास्टिंग हमेशा रहने वाला अर्ड मीन्स मेड बनाया कमाया सरमन का मतलब है एड्रेस स्पीच और लेक्चर यानी खुतबा तकरीर या लेक्चर रिवेंच मीन्स पे बैक और वेंजियंस ओके बदला या इंतकाम कमांडमेंट का मतलब है ऑर्डर हुक्म एंड द मीनिंग ऑफ अपहेल्ड इज फुलफिल्ड पूरा हुआ डेस्टिट्यूट मीन्स वेरी पुअर बहुत गरीब या मोहताज प्रो क्लेम्ड मीन्स डिक्लेय ऐलान किया या ऐलान किया हुआ ट्रांसेंड मीन्स टू राइज अबव ऊपर उठना बुलंद होना तो वोकेबले सेक्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेबरी सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अब हमें वर्ड्स दिए होंगे और उन वर्ड्स के सिनोनिम्स को हमने चूज करना होगा हमें एक वर्ड के साथ डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे जिस तरह के फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्टेबल और हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं लाइक फेयर जस्ट इक्वल और इन ऑप्शंस में से हमने गिवन वर्ड का अप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज करना है ऐसा वर्ड चूज करना है जो गिवन वर्ड का सिनोनिम होगा यानी उसके मीनिंग्स गिवन वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ सेम होंगे एक जैसे मीनिंग्स वाले वर्ड्स को हमने चूज करना है इन उर्दू में हमको कहते हैं मुतरादफ अल्फाज तो एक टेबल का मुतरादफ हमने चूज करना है या सिनोनिम हमने चूज करना है तो वर्ड्स के मीनिंग्स को हम फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं तो अब फेयर का मतलब है करेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट का मतलब है इंसाफ पसंद इक्वल मींस बराबर या मसावी तो एक्विटेबल का जो सिनोनिम होगा वो होगा फेयर और सेकंड वर्ड हमारे पास है एनसेस्टर और एनसेस्टर के ऑप्शंस हैं एंटेसिडेंट फोर फादर प्रेडिस एंटेसिडेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला फोर फादर मीनस बाप दादा ओके मीनिंग फादर एंड ग्रैंड फादर प्रेडेस्टर का मतलब है पहले आने वाला तो so एंसेस्टर का जो करेक्ट होगा वो है फोर फादर एंड थर्ड वर्ड इज फो तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ऑप्शन जो हमारे पास इस वर्ड के दिए हुए हैं रिलेटिव रिश्तेदार एनिमी दुश्मन फ्रेंड दोस्त तो फो का जो सिनोनिम होगा देर इज एनिमी तो फोर्थ वर्ड है हमारे पास फर्म फर्म का मतलब होता है डिटर्मेंट पोराज और उसके ऑप्शन हैं एक्सपेंसिव पावरफुल परसिस्टेंट एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली महंगा पावरफुल मींस स्ट्रॉन्ग ताकतवर परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस कंसिस्टेंट ओके लगातार तो फर्म का यहां पे जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो है परसिस्टेंट ओके okay, तो फिफ्थ वर्ड है हमारे पास ग्लोरियस और ऑप्शंस हैं Lustrous, स्प्लेंडेड फेबुलस Lustrous का मतलब होता है शाइनी चमकदार Splendid मीन्स एट्रैक्टिव शान शौकत वाला फेबुलस means खूबसूरत बहुत अच्छा तो यहां पे ग्लोरियस का जो अप्रोप्रिएट सुनने होगा वो है स्प्लेंडेड शानदार अब हम आते हैं वो कैबलरी सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन सी गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस तो ये हमें फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं और इन फ्रेजल वर्ब्स के हमने मीनिंग्स लिखने हैं और फिर इनको सेंटेंसेज में यूज करना है तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ब का या उसके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब का तो फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश में वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं और फ्रेजल वर्ब के अंदर हमारे पास एक वर्ब होगा और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब हमें दिया होगा तो अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब जिस तरह यहां पे देखें गिल्टी ऑफ बिलोंग टू एक्सचेंज फॉर इन अकॉर्डेंस विद तो आप देख रहे हैं कि हर वर्ड के साथ प्रपोजिशन लगे हुए हैं या एडवर्ब्स लगे हुए हैं तो ये वर्ड्स होंगे phrasal verbs. तो इन फ्रेजल वर्ब्स के अब हमने मीनिंग्स लिखने हैं और फिर उनको हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो गिल्टी ऑफ का मतलब होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर a रोंग डूइंग यानी कोई भी गलत काम करने का रिस्पॉन्सिबल होना जिम्मेदार होना गिल्ती ऑफ मीन मुजरिम या रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग मलकियत होना किसी चीज का अपना होना ठीक है बिलोंग टू जो किसी चीज की मलकियत को जाहिर करता है ऑनरशिप को जाहिर करता है एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है तबादला करना

तो जैसे हमने देखा था कि इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रॉन्ग डूइंग या उर्दू में हम इसे कह सकते हैं मुजरम तो इस पर सेंटेंस ये बनेगा ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग ठीक है वो चोरी का मुर्तकब पाया गया यानी सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीलिंग इसका मतलब है ओके जी तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बिलोंग टू बिलोंग टू का सेंटेंस होगा दिस बुक बिलोंग्स टू मी ये किताब मेरी है तो बिलोंग टू जो है वो ओनरशिप को या प्रॉपर्टी को शो करता है द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज एक्सचेंज फॉर जिस तरह हमने देखा था एक्सचेंज फॉर का मतलब है गिविंग एंड गेटिंग ही गेव मी अ पेन इन एक्सचेंज फॉर अ बुक उसने मुझे एक किताब के बदले एक पेन दिया इन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग विद टू के मुताबिक वी शुड लीड अवर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम तो हमें इस्लाम की तालीमत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए वी शुड लीड अवर लाइव्स हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद टीचिंग्स ऑफ इस्लाम इस्लाम की तालीमत के मुताबिक तो ये थे फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। तो अब हम आते हैं वो कैबुलरी सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन डी ट्रांसलेट पैराग्राफ वन ऑफ द लेसन इन टू उर्दू तो हमने लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो हम लेसन की उर्दू ट्रांसलेशन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं तो आप पैराग्राफ वन की उर्दू ट्रांसलेशन को वहां से आप देख सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है और वहां से आप इसकी ट्रांसलेशन को देख सकते हैं ओके जी नाउ वी कम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ऑफ द एक्सरसाइज नालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ टेक्सट ऑर्गेनाइजेशन तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमने टेक्स्ट के अंदर से इन्फॉर्मेशन को पिक करना होता है और हमने क्वेश्चन को आंसर करना होता है तो हमने टेक्स के अंदर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना होता है यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने इन्फॉर्मेशन को बताना होता है सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ए चूज द करेक्ट ऑप्शन और फर्स्ट क्वेश्चन इसका है इन पैराग्राफ वन देश डिटेल्स ऑफ द रसूल सल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन तो हमने पैराग्राफ वन के अंदर से देखना है कि रसूल सल्लम की खसूसियात की जो डिटेल्स दी हुई हैं वो कैसी हैं और ऑप्शन हमारे पास जनरल स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल तो हमने ये बताना है कि जो डिटेल्स हैं वो जनरल हैं यानी ओवरऑल डिटेल्स हैं स्पेसिफिक हैं एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट के बारे में डिटेल्स हैं या वो क्रोनोलॉजिकल हैं क्रोनोलॉजिकल मीन्स के वो टाइम के लिहाज से ऑर्डर में हो यानी टाइम की सीक्वेंस में हो सो नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ वन टू आंसर दिस क्वेश्चन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety, and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual, and social areas of life. He has set very high and noble ideals. थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मेन काइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ तो ये है पैराग्राफ वन तो यहाँ पे हम रीडिंग करने के बाद ये देख सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन रसूल सल्लाम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दी गई है तो वो स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट पे नहीं है या वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है टाइम की सिक्वेंस में नहीं है तो ये जो डिटेल्स हैं ये क्या है जनरल हैं

जरत मोहम्मद सल्लम वॉज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबो नाउ लेट्स करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हैं हजरत मोहम्मद प्रैक्टिकली प्रूव डेट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड एकबल द रसूल ऑफ अल्लाह माइटी as a young trader he earned the good reputation of being an honest fair and just businessman he always had fair and just dealings with all people when the kaaba was being constructed there arose a dispute among the people regarding the black stone he devised the most equitable plan for the setting of the black stone दिस प्लीज एवरी वन एंड सेव दैम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट तो जैसे कि पैराग्राफ को रीड करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन आइडिया है की आइडिया है इस पैराग्राफ का पैराग्राफ टू का वो क्या है कि हजरत मोहम्मद वसल्लम नबोवत से पहले भी जस्ट और फेर थे तो क्वेश्चन टू का जो करेक्ट ऑप्शन होगा इज सी हजरत मोहम्मद सल्लम वॉज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबोवत अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ थ्री एंड फोर शो दैट एंड द ऑप्शन आर हजरत मुहम्मद सल्लम वॉज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट हज़रत मोहम्मद सल्लम वॉज अ सिंपल मैन हज़रत मोहम्मद सलम वॉज फेयर इन हिज डीलिंग तो अब आइए पैराग्राफ को देख लेते हैं पैराग्राफ थ्री और फोर को और फिर हम यहाँ से अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करेंगे सो दिस इज पैराग्राफ थ्री एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेज ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड एकविटी Irrespective of color, creed, or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing, some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zayd to intercede on her behalf. Hazrat Usama requested the Wasallam to forgive her the rasul very furiously said bani israel was ruined because of this they applied law to the poor and forgave the rich and this is fourth paragraph during the sermon an ansari seeing some men from the tribe of banu salba sitting there

पैराग्राफ थ्री और फोर में जो एग्जाम्पल्स डिस्कस की गई हैं वो क्या शो करती हैं वो ये शो करती हैं कि एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना हजरत मोहम्मद जस्ट टू एवरीवन, ओके तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए दैट हजरत मोहम्मद वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे पैराग्राफ फाइव शोज दैट हजरत मोहम्मद सल्लम वॉज जस्ट हेड ऑफ द स्टेट द जस्टिस ऑफ हजरत मोहम्मद सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नॉन मुस्लिम्स हजरत मोहम्मद सल्लम वॉज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबुवत तो पैराग्राफ फाइव से हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है सो दिस इज पैराग्राफ फाइव द रसूल सलम वॉज सो वेल नोन फॉर इज जस्टिस दैट इवन दूसर एनिमीज ब्रॉड टू हेम एंडेड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद दूस लॉ ही वेरी स्ट्रिक्ट फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह If they come to you, either judge between them or decline to interfere. इफ यू डिक्लाइन दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट इफ यू जज जज इन एक्विटी बिटवीन दम फॉर अल्लाह लव इन एक्विटी हम देख सकते हैं जस्टिस ऑफ हजरत मुहम्मद सल्लाह वॉज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नॉन मुस्लिम इस पैराग्राफ में हमें यह पता चलता है कि हजरत मोहम्मद सलम नॉन मुस्लिम्स के साथ भी उनका जो डीलिंग्स थी वो जस्ट थी और फेयर थी सो क्वेश्चन फोर का जो करेक्ट ऑप्शन है देर इज बी ओके जी अब हम आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन हजरत मोहम्मद ने यह एडवाइस किस को की थी वेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग दर्गूमेंट्स ऑफ द अदर इट इज देन मोस्ट लाइकलीट यू विल नो द ट्रूथ और ऑप्शन है हमारे पास हज़रत अबू बकर अन्हो, हजरत अली रजी अन्हो, हजरत उमर फारूक रजी करेक्ट तो ऑप्शन इसका क्या होगा तो करेक्ट ऑप्शन होगा हजरत अली रजी तीन रसूल सल्म ने ये एडवाइस हजरत अली रजी अल्लाह तनो को दी थी क्वेश्चन बी ऑफ रीडिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ थ्री तो पैराग्राफ थ्री के अंदर से पैराग्राफ तो का उसका ओपनिंग सेंटेंस होता है वो मेन सेंटेंस होता है और उसके बाद में आने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होती है तो पैराग्राफ थ्री का अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें तो उसका वो टॉपिक सेंटेंस होगा और वो ये है एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी एक ऑफ कलर क्रीड और रेस तो ये उसका टॉपिक सेंटेंस है और पैराग्राफ थ्री की जो सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी टॉपिक सेंटेंस की वो ये होंगी यानी जो रिमेनिंग हैं पैराग्राफ थ्री की वंस अ कुरेश वाज़ फ़ाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग सम मैन वॉन्टेड हर फ्रॉम पनिशमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरेश उसामा बिन जैद रजी टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ हजरत रजी रिक्वेस्टेड द रसूल टू फर्गिव हर

क्वेश्चन नंबर वन हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ इन लेसन को अच्छी तरह रीड करने के बाद हम इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ यानी लोग यानी अपनी ज़िंदगी के खलाकी रूहानी और समाजी शोबों में कमाल कैसे हासिल कर सकते हैं तो इसका जो आंसर होगा

बुलंद और आला नजरियात कायम किए तो आंसर होगा द रसूल सल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैन काइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम ने इंसानियत के लिए बुलंद और आला नजरियात अपनी अमली मिसाल के जरिए कायम किए क्वेश्चन थ्री हाउ द पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल्स जस्टिस इवन बिफोर हिज नबो यानी मक्का के लोग आप, وسلم, की नबोवत से पहले आपके इंसाफ पर कैसे रजामंद थे द पीपल ऑफ were कन्विंस्ड ऑफ द रसूल जस्टिस इवन बिफोर हिज नबोत बिकॉज

ईमानदार इंसाफ पसंद बिजनेसमैन होने की अच्छी शोरत हासिल की। हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल तो आप हमेशा तमाम लोगों के साथ दुरुस्त और इंसाफ पर मबनी मामला रखते थे क्वेश्चन फोर वट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस डिड द रसूल सल वसलम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना हजरत मोहम्मद सल्म ने रियात मदीना के सरबरा की हसीयत से इंसाफ के किन को अपनाया मैारायानी आप सल असलम रियात मदीना के सरबरा की हसीियत से इंसाफ के किस मैार को अपनाते थे अमल करते थे एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेज ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर क्रीड और रेस। रेसते मदीना के सरबरा की से, आप तमाम मुकदमत का फैसला इंसाफ और बराबरी के तकाजों के मुताबिक करते थे रंग अकीदा या नस्ल से कता नजर आप सल्लल्लाहु वसल्लम

द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लम मजीद रसूल अल्लाह सल्लम की शख्सियत को कैसे बयान करता है इसका आंसर होगा द होली कुरान दिस्क्राइब्स द रसूल सल्लम परसनैलिटी इज इन डीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह माइटी यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम हुप फॉर अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच तो कुरान मजीद रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की शख्सियत को इस तरह बयान करता है कि वाकई ही रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की जात में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है पैरवी के लिए और उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आहरत के दिन पर ईमान रखता है और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करता है नाउ वी कम टू द राइटिंग स्किल सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज तो राइटिंग स्किल सेक्शन एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ फाइव की हमने प्रेसी लिखनी है प्रेसी कहते हैं समरी को तो हमने पैराग्राफ फाइव को समराइज करना है अपने वर्ड में डिस्क्राइब करना है और उर्दू में प्रेसी या समरी का जो वर्ड होगा वो होगा खुलासा यानी पैराग्राफ फाइव का हमने खुलासा लिखना है उसको समराइज करना है तो पहले हम पैराग्राफ फाइव को जरा देख लेते हैं और फिर उसकी प्रेस या समरी हम लिखते हैं सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन पैराग्राफ फाइव द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यूज हु वर हिज बिटर एनिमीज ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम एंड ही डिसाइडेड

문fsफ. तो इस ऐसे को लिखने के लिए हम यूनिट में से भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो यूनिट वन था ये सारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के इंसाफ पे बेस था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस की एक एम्बॉडीमेंट हैं या इंसाफ की एक अमली सूरत हैं तो हम इस ऐसे को लिखने के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो अगेन इस यूनिट वन से हम लिख सकते हैं